वैगनर ग्रुप के चीफ की मौत के बाद से ही प्रिगोजिन के करीबियों को मौत का डर सताने लगा है। वैगनर ग्रुप के उन सभी कमांडर्स को इस वक्त जान का खतरा है जिन्होंने रूस के खिलाफ बगावत में प्रिगोजिन का साथ दिया था, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि जो रूस से टकराएगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बगावत करने वाले वैगनर को लेकर कई बातें सामने आई। पूरी दुनिया में वैगनर के बहक जाने या उसके विद्रोही हो जाने वाले मूड के बहुत से मतलब निकाले गए। सवाल थे कि आखिर वैगनर ने पुतिन से टक्कर क्यों ली, कैसे वैगनर रूस के लिए भस्मासुर बन गया और उसके साथ कौन कौन है। क्रेमलिन में तनाव बहुत ज्यादा था। पुतिन ने भी पता लगाया कि बखमूत जीतने वाला वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अचानक रूस का दुश्मन क्यों बन गया। आखिर कैसे वैगनर के लड़ाकों में इतनी ताकत आ गई, कैसे उसकी लीडरशिप अपने देश के खिलाफ खड़ी हो गई। हालात ऐसे बन गए थे कि अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का प्लान बना रहे वैगनर चीफ ने अपने टैंकों का रुख मॉस्को की तरफ मोड़ दिया, और पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब तो यूक्रेन में जंग करने वाले रूस के अंदर ही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तब पुतिन की लीडरशिप को भी लेकर सवाल उठने लगे, और प्रिगोजिन की साजिश के तार कहां तक फैले हैं ये बात तो पुतिन के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह बन गई। तब रूस के लिए बड़ी फिक्र वाले सवाल थे। क्या वैगनर पर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन जेलेंस्की ने जादू कर दिया है? क्या वैगनर को पुतिन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बाइडन ने बहका दिया? क्या वैगनर ने पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले नेटो से हाथ मिला लिया? पुतिन ने जब पूरे मामले को संभाला और जब वैगनर को रोस्तोव से बेलारूस भेजा गया, तब सवाल उठने लगे कि क्या बेलारूस नेटो पर हमला कर देगा या फिर उत्तर की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा बेलारूस से खोला जा सकता है। वैगनर ने जब रूस से बगावत की तो 48 घंटे तक बहुत बड़ा ड्रामा चला, और फिर पुतिन ने वैगनर को 3 ऑप्शन दिए थे। पुतिन ने कहा कि वैगनर के लड़ाकों को रूस के रक्षा मंत्रालय के तहत आ जाना चाहिए, या फिर अपना ग्रुप छोड़कर वापस घर लौट जाना चाहिए, और वैगनर के लड़ाकों को तीसरा ऑप्शन बेलारूस का दिया गया, जिसे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने फौरन मान लिया। यूक्रेन के युद्ध में काफी बदलाव देखे गए हैं। पुतिन ने अपनी फौज को बड़े बड़े फैसले लेने की आजादी दी है और साथ में उन पर नजर भी रखी है, लेकिन वैगनर चीफ और जनरल सुरोविकिन के मामले में पुतिन धोखा खा गए। पुतिन ने सुरोविकिन को उस वक्त युद्ध की कमान सौंपी थी जब रूस काफी दबाव में था और पुतिन को जल्दी नतीजे चाहिए थे। सितंबर 2022 का ऐसा ही वक्त था जब रूस की सेना कई मोर्चों पर मात खा रही थी, और तब सुरोविकिन से बात करके पुतिन ने उन्हें अक्टूबर 2022 में एरोस्पेस कमांड की जिम्मेदारी दी। Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата, методично перемалываем атакующего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. जनरल सुरोविकिन को सीरिया में अपनी क्रूर बमबारी वाली स्ट्रेटजी के लिए जनरल आर्मगेडन कहा गया। उसे आईएसआईएस पर ताबड़तोड़ हमलों के लिए सीरिया का शैतान भी कहा गया। पुतिन ने 2017 में सुरोविकिन को रूस के सर्वोच्च सम्मान हीरो ऑफ रशिया मेडल से भी सम्मानित किया था और उसे फुल जनरल के रूप में प्रमोशन भी दिया था, लेकिन अब ये जनरल अपनी जान की सलामती को लेकर घबराया हुआ है क्योंकि पुतिन के खिलाफ जाने का उसका फैसला एक्सपोज होने के साथ उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां प्रिगोजिन के होने ना होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पुतिन पहले ही वैगनर की लीडरशिप को काबू में कर चुके हैं। हजारों लड़ाकों को बेलारूस भेजकर उनकी नई लीडरशिप तैयार की जा रही है और अब उनको एक नए मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस बीच सुरोविकिन को भी प्रिगोजिन की मौत की खबर मिल गई होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।